हेलो डियर फ्रेंड्स, अगर हमें डॉग बाइट हो जाए तो हम क्या करें? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें कोई इंजेक्शन लगवाना चाहिए? मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मुझे इंजेक्शन की ज़रूरत है? मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, क्या इंजेक्शन की ज़रूरत है? जो लोकल इंजरी है उसके लिए क्या करें? हमें कितने इंजेक्शन लगवाने चाहिए? किसी ने कहा 14 इंजेक्शन लगते हैं, कोई कहता है एक ही इंजेक्शन से काम चल जाता है। ऐसी बहुत सी क्वेरीज हैं जो पेरेंट्स के मन में होती हैं। एडल्ट्स हो चाहे बच्चा हो, किसी को भी डॉग बाइट हो तो एक ऐसा इवेंट हो जाता है, एक तरह से इमरजेंसी बन जाती है और हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अनुज कुमार धामा, आई एम प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन इन गुड़गांव। आज हम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डॉग या एनिमल बाइट। नॉट ओनली डॉग, एनिमल बाइट ऑल्सो इन चिल्ड्रन और एडल्ट्स, सबके लिए सेम इन्फॉर्मेशन है। सो ये रेबीज का एक एपिडेमिक है जो ग्लोबली ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इज इन्वॉल्व। इंडिया उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। 35% ऑफ द ग्लोबल रेबीज केसेस जो होते हैं वो इंडिया में होते हैं। रिसेंटली पंजाब से डाटा आया था। एज पर दैट डाटा, एवरी आर 14 पीपल आर बिटन बाय द डॉग। हर घंटे 14 लोगों को कुत्ता काटता है, सिर्फ पंजाब पंजाब का डाटा है। सोचो इंडिया के अंदर कितना ज़्यादा होता होगा। सो इसलिए हमें ये टॉपिक डिस्कस करना ज़रूरी है और शुरू से लेके आखिर तक हम ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले डॉग बाइट हो गया तो क्या करें? पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे को कुत्ता काट गया था, हमने उसके ऊपर मिर्ची लगा दी, हमने उसके ऊपर जूस लगा दिया, हमने उसके ऊपर टर्मरिक लगा दिया, हल्दी लगा दी, तो इन चीज़ों को इफ़ेक्ट आता है कि नहीं आता है? इनमें से एक भी चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर हमें वहाँ पे दिख रहा है डॉग बाइट हुआ है, कोई स्क्रैच हुआ है, उस एरिया को लिबरली वाटर से वॉश करना है 15 मिनट्स के लिए। एक दो मिनट के लिए नहीं है, पूरा 15 मिनट चलते हुए पानी के अंडर उसको वॉश करते रहना है। उससे जो लोकल वायरस है वो वहाँ से वॉश ऑफ हो जाएगा। क्या हमें साथ में कोई एंटीसेप्टिक यूज़ करना चाहिए, सोप यूज़ करना चाहिए? जी हाँ, हमें सोप भी यूज़ करना है। और प्रेफरेंशली अगर हमारे पास में कोई आयोडीन बेस्ड सॉल्यूशन है, जैसे सैनिटाइजर है, उससे उस एरिया को क्लीन कर लेना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट आपको डॉक्टर के पास जाना है। वहाँ पे डॉक्टर आपके जो डॉग बाइट है उसको क्लासीफाई करने वाले हैं कि ये कैटेगरी 1, 2 या 3 में है। कैटेगरी 1 माइल्डेस्ट होती है और कैटेगरी 3 जो होती है वो सबसे सीवियर फॉर्म ऑफ डॉग बाइट होती है। तो अकॉर्डिंगली वो आपका प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे कि आपके बच्चे को कोई वैक्सीन की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर कैटेगरी 1 है तो उसमें कोई वैक्सीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर कैटेगरी 2 है तो उसमें वैक्सीन चाहिए, और कैटेगरी 3 में वैक्सीन प्लस इम्यूनोग्लोबुलिंस या एंटीबॉडीज चाहिए होती हैं। ये आपके डॉक्टर डिटरमाइन करेंगे कि इनकी ज़रूरत है कि नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। देन नेक्स्ट, क्या टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए? हर बार डॉग बाइट पे टेटनस इंजेक्शन चाहिए? हर बार इंजरी पे चाहिए? नॉर्मली अगर हमारा बच्चा वैक्सीनेटेड है तो उनको टेटनस के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ऐसा हो गया है, मोर देन 5 ईयर्स हो गए हैं, आप एडल्ट हैं, आपको वैक्सीन लगवाए मोर देन 5 ईयर्स हो गए हैं, तो मे बी यू मे रिक्वायर अ टेटनस इंजेक्शन। दिस विल बी डिसाइडेड बाय योर डॉक्टर अगेन कि कितनी सीवियर इंजरी है, उसके अंदर टेटनस के इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें कितने इंजेक्शन लगने चाहिए? हमें किसी ने बताया था एक ही इंजेक्शन से काम चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी इंडिया के अंदर 5 डोज शेड्यूल फॉलो होता है। कुछ इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है जो 4 डोजेस की रिकमेंडेशन देती हैं, पर इंडिया में 5 डोज ही लगती हैं। अब ऐसा हुआ कि जो डॉग बाइट हुआ था वो पेट डॉग से हुआ था कि वाइल्ड डॉग से हुआ था, स्ट्रीट डॉग से हुआ था? अगर हमारे पास में पेट डॉग है जो वैक्सीनेटेड है, हमारे जो वेटनरी डॉक्टर हैं उन्होंने कहा जी हमने तो इंजेक्शन लगाया हुआ है, आपको इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, पर ये 100% सर्टेनिटी से कोई नहीं बता सकता कि जो डॉग को इंजेक्शन लगा था उससे हम लोगों को 100% प्रोटेक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि हमें वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए इवन इफ़ योर डॉग इज़ वैक्सीनेटेड। हाँ, पर शेड्यूल में थोड़ा ट्वीक हो जाता है। जो हमारे पेट डॉग्स होते हैं उनको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर 10th डे तक आफ्टर द बाइट हमारा डॉग कोई भी साइन ऐसा शो नहीं कर रहा कि जैसे रेबीज हो जाए, तो फिर हम एक शॉट कम कर सकते हैं। उस केस में हमें 4 शॉट्स लगेंगे, तो एक डे 14 का शॉट बोलते हैं वो हट जाता है। तो 0th डे, 3rd डे, 7th डे एंड 28th डे पे वो वैक्सीन लगता होता है। पर अगर स्ट्रीट डॉग है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि पूरा शेड्यूल फॉलो किया जाए।
पूरे शेड्यूल का मतलब है कि जिस दिन हम पहला वैक्सीन लगवाएंगे, जिस दिन बाइट हुआ कि मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि जिस दिन हम पहला शॉट लगवाएंगे, हो सकता है हम फर्स्ट शॉट जो है डॉग बाइट के सेवंथ डे पे लगवा रहे हैं, तो दैट बिकम्स अवर डे ज़ीरो। तो उसके हिसाब से डे ज़ीरो, देन डे थ्री, देन डे सेवन, देन डे 14 एंड देन डे 28 पे हमें वैक्सीन लगने वाली हैं। इससे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट निकल कर आती है कि भाई अगर हमें डॉग बाइट हो गया है, हमने बीच में सपोज करो एक महीना भी इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो अब हम क्या करें? क्या हम लोग प्रोटेक्टेड हैं? जी नहीं। आपको चाहे दो साल पहले भी डॉग बाइट हुआ हो और आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो इट्स बेटर कि आप आज लगवा लें फर्स्ट डोज, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, जिस पीरियड में सिम्टम्स आ सकते हैं डॉग बाइट के बाद में, दैट कैन बी एज स्मॉल एज 2 डेज, 2 दिन बाद भी पेशेंट सिम्टोमेटिक हो सकते हैं, टू एज लॉन्ग एज 6 ईयर्स। तो ऐसा नहीं है कि हमारे को तो एक साल पहले लगा था, अब हमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो वायरस चुपचाप बॉडी में बैठा रहता है और कभी भी मैनिफेस्ट कर सकता है। तो इसलिए वी शुड गो फॉर द रेबीज वैक्सीनेशन वेन एवर पॉसिबल। एक तो डॉक्टर आपको समझा देंगे भी हमने ये वैक्सीन लगानी है, सेकेंड जो लोकल वूंड होता है उसकी भी हमें केयर करनी होती है। इसके लिए आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, वो आपको लोकली भी लगानी होती है और ओरली भी लेनी होती है, मुंह से भी लेनी होती है। क्यों करना होता है? रेबीज तो एक पार्ट है, पर जो डॉग्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके माउथ के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जो डिपॉजिट हो सकते हैं हमारी स्किन में, और वो भी काफ़ी सीवियर लोकल या सिस्टेमिक इन्फेक्शंस कर सकते हैं, जिससे आदमी काफ़ी बीमार पड़ सकता है। तो इसलिए वो मेडिकेशन का कोर्स भी आपको पूरा करना चाहिए। सेकेंडली, अगर बहुत बड़ा वूंड हो गया है, अगर आपको लगता है कि गेपिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्या उसमें स्टिच लगाने चाहिए? स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है कि उसमें कोई स्टिचेस नहीं लगाने चाहिए, वूंड को ओपन छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपके डॉक्टर एक दो लूज स्टिचेस लगा दें, पर टाइट कभी भी नहीं उसको हमने रखना होता है, उसको ऑटोमेटिक हील करने देना होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इफ़ somebody इज़ प्रेगनेंट, तो क्या उस टाइम पे इंजेक्शन लगा सकते हैं? तो इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ, चाहे आप प्रेग्नेंट हैं, चाहे आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, आपको वो वैक्सीन ले लेना चाहिए। रादर इट इज़ एडवांटेजियस, जो एंटीबॉडीज बनेंगी देयर मे बी एडवांटेजियस फॉर योर बेबी ऑल्सो। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि काफ़ी पेशेंट्स आते हैं कि हमें रैट बाइट हो गया है या स्क्विरल बाइट हो गया है, तो उस केस में लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए? तो नॉर्मली रैट से और स्क्विरल से मोस्टली नहीं होता है, कुछ वाइल्ड रोडेंट्स बोलते हैं, बहुत बड़े जो जंगली चूहे होते हैं, उनसे अगर बाइट हो जाए तो फिर ये कहा जाता है कि उस केस में हमारे को लगवा लेना चाहिए। जो छोटे जानवर होते हैं, वो अगर उनको रेबीज का वायरस इन्फेक्ट कर जाता है, वो अपने आप ही मर जाते हैं, वो औरों को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि डॉग्स, मोस्टली 95% ऑफ द केसेस में डॉग्स ही होते हैं, कैट्स एंड मंकीज, ये हैं जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनिमल बाइट्स ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं, स्पेशली इंडिया के अंदर। रेयरली जो होते हैं, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, जैसे काउज, बफेलोज वगैरह हो, इनसे भी हो सकता है, इनके केस में भी हमें रेबीज का वैक्सीन लगवाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज इन ब्रीफ, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की गई है, जो हेजिटेशन होता है क्या करें क्या ना करें। इनिशियली हम कुछ गलत चीज़ें कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर ही कि मिर्ची पाउडर लगा दिया, टर्मरिक लगा दिया, तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी होती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज वुंड को क्लीन कर दीजिए एंड देन गो टू द डॉक्टर एंड लेट हिम डिसाइड फर्दर क्या करना है। सो फ्रेंड्स, अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाती है, तो आपको नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं या मैसेज बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, जिससे हम आपकी फर्दर हेल्प कर सकें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।